पिछले 3 सितंबर को देर रात अपनी गर्भवती पत्नी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल देखने जा रहे भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार की हत्या कर उसके शव को गौराड़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर बहियार में फेंक दिया गया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी और भागलपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए 3 दिनों के अंदर ही हत्यारे को हत्या में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी के साथ धर दबोचा और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि एक ससुर ने ही अपने दामाद की हत्या कर दी। एसएसबी ने बताया कि मृतक चंद्रशेखर कुमार ने 2 शादियां की थी और उसकी दूसरी पत्नी के पिता प्रदीप कुमार पंकज के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने बताया कि मृतक का शव मिलने के बाद सिटी एसपी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया तो पता चला कि एक गाड़ी जिसमें काफी मात्रा में खून लगा हुआ है वह कहलगांव में धुलाई के लिए गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसएल की टीम के साथ कहलगांव वाशिंग सेंटर पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। गाड़ी में मृतक चंद्रशेखर कुमार का काफी मात्रा में खून पाया गया, साथ ही मृतक का मोबाइल भी गाड़ी में ही था। उसके बाद जब पुलिस की टीम ने गाड़ी मालिक का पता लगाया तो पुलिस टीम अचंभित रह गई, क्योंकि गाड़ी का कोई और मालिक नहीं बल्कि मृतक के ससुर ही गाड़ी का मालिक निकला। उसके बाद मृतक के ससुर प्रदीप कुमार पंकज को पुलिस ने उनके दामाद मृतक चंद्रशेखर कुमार के घर से ही नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार भी किया। एसपी ने बताया कि मृतक के ससुर ने इकबालिया बयान में यह कबूला है कि उसके दामाद के द्वारा उनकी बेटी और उन्हें लगातार दहेज के लिए रुपया देने और जमीन देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे आजीज होकर उसने अपने ही दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने प्रमोद कुमार पंकज के द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार को उसके द्वारा बताए जाने के बाद छुपाए गए स्थान से बरामद भी कर लिया। सीनियर एसपी हत्या के इस ब्लाइंड मामले के उद्भेदन को बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले 3 सितंबर को रात्रि में एक युवक का शव ये मोहनपुर के बरियार में चमेनिया बांध है उसके पास मिला था और वो खून से लथपथ शव था। प्रथम दृष्टया देख के लगा कि किसी ने इसकी हत्या करके और यहाँ पर बॉडी को फेंक कर चले गए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में और SDPO लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें SHO गोराडी संजय, SHO सबौर विवेक और अन्य पदाधिकारीगण इसमें शामिल थे। उनके द्वारा इसके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अगले दिन हम लोगों को सूचना मिली कि जो गाड़ी प्रयुक्त हुई है उसको कहलगांव स्थित एक गैराज में धुलने के लिए दिया गया है और उस सूचना का सत्यापन हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से भी किया और वो सूचना सही पाई गई और उसके बाद पूरी टीम FSL की टीम को ले जाके वहाँ पर पूरे गाड़ी का मुआयना किया गया तो गाड़ी के सीट के अंदर से बहुत सारे ब्लड के स्टेन्स मिले और वहाँ से गाड़ी से साक्ष्य संकलित किया गया और गाड़ी में ही मृतक का जो मोबाइल था उसको भी प्राप्त किया गया। टीम ने फर्दर अनुसंधान करते हुए इसमें जिसने घटना कारित की है वह मृतक का ससुर ही था। मृतक की 2 शादियां हुई थी, जो दूसरी शादी जिससे हुई थी उसका पिता की ही वो गाड़ी थी और उसके द्वारा ही यह हत्या की गई और उसके बाद कल शंकरपुर जो मृतक का गांव है उसी गांव से उसके ससुर की अरेस्टिंग हुई और उससे जब पूछताछ हुई तो पूरा जो मामला था वो सामने आया कि मृतक जो थे वो अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करते थे और ससुर से भी पैसे की और उनका जो जमीन था उसको लिखने का दबाव बना रहे थे और इन्हीं चीज़ों से अजीज आके 3 तारीख की रात में जो प्रदीप कुमार पंकज इसके ससुर है उसके द्वारा मृतक की हत्या की गई। हत्या स्कॉर्पियो के अंदर ही की गई और गोली मारकर हत्या की गई और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसकी बरामदगी हुई, जहाँ पर उसने फेंका था वहाँ से मिट्टी से सना हुआ हथियार बरामद हुआ है और जो मृतक का मोबाइल है वो उसी स्कॉर्पियो से बरामद हुआ है। पूरे घटना के अनुसंधान में हम लोगों ने करीब 1/2 दर्जन के करीब CCTV फुटेज का अवलोकन किया और उसके बाद वो गाड़ी चिन्हित हुई और फिर गाड़ी की पहचान हुई और फिर गाड़ी का लोकेशन पता चला कि उसको धुलने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर फाइनली जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक जो हत्या हुई थी जिसमें ब्लाइंड मर्डर था उसका
सफलतापूर्वक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए उद्भेदन किया है और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग इस पूरे कांड में जल्द से आरोप पत्र समर्पित करके और इसमें स्पीडी ट्रायल के तहत उसमें केस चलेगा, उनको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में तकरीबन 1.5 महीने पहले IIIT एवं भागलपुर पुलिस के द्वारा एक MOU साइन हुआ था, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर उसके बारे में डाटा संग्रहित रखने के लिए ऐप को तैयार किया जाना था, जिसमें लोकस और प्रगति सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से शामिल है। आज लोकस सॉफ्टवेयर का विधिवत उद्घाटन IIIT के प्रशाल में किया गया। इस लोकस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम लोकेशन बेस्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर यूनिफाइड सिक्योरिटी रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर से शहर में कैमरे की मदद से मोबाइल लूट, चैन लूट, चोरी डकैती होने वाले विशेष जगहों को चिन्हित कर गश्ती बढ़ाया जाएगा, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा। इसकी जानकारी आज सभी थानों के थानाध्यक्षों को भी दे दी गई है। शहर में सॉफ्टवेयर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 1750 कैमरे भी लगाए गए हैं। जल्द ही लोकस के बाद प्रगति सॉफ्टवेयर भी काम करना शुरू कर देगी। आप लोग के साथ ये शेयर करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि IIIT भागलपुर के अध्यापक गण और यहाँ के छात्रों ने हमारे भागलपुर पुलिस के इनिशिएशन पे, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये 2 सॉफ्टवेयर, एक लोकस जो कि किसी स्थान पे जहाँ पर क्राइम अधिक होता है उसको लोकेट करने में और उसको एडवांस में ही उसमें कुछ उस दिशा में कार्य करके उस हॉट स्पॉट को में क्राइम को मिनिमाइज करने में ये उनको सुविधा मिलेगी, और दूसरा एक डाटाबेस प्रगति जो कंसेप्चुलाइज तो हो गया है, अभी डेवलपमेंट के भीतर है, उसको में दोनों को किया है। इसके लिए मुख्य बधाई का पात्र हमारी भागलपुर पुलिस है जो इतना IT में, कंप्यूटर में इतना कंप्यूटर सेवी है, IT एक्टिव है कि उन्होंने इस ओर सोचा और इसके लिए हमारे IIIT भागलपुर को चुना और हम लोगों ने मिलके ये इतने कम समय में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उम्मीद है कि ये भागलपुर की जनता के लिए यहाँ क्राइम रेट कम करने में इसका काफ़ी योगदान रहेगा और फ्यूचर में भी इस तरह के कार्य IIIT भागलपुर करते रहना चाहेगा और करेगा। धन्यवाद। देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले भागलपुर पुलिस और IIIT भागलपुर के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसमें कि IIIT भागलपुर के द्वारा भागलपुर पुलिस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाने थे जिससे कि हम लोग को पुलिसिंग में मदद मिल सके। उसी क्रम में आज पहला सॉफ्टवेयर लोकस, लोकेशन बेस्ड ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर यूनिफाइड सिक्योरिटी नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, जिसमें बेसिकली हम लोग पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, जैसे लूट हो गया, डकैती हो गया, मोबाइल की छिनतई हो गई, चेन की छिनतई होगी, ऐसे क्राइम्स को मैप पे
मैप कर पाएंगे और उससे हॉटस्पॉट जो भी पूरे भागलपुर शहर में या पूरे भागलपुर ज़िले में जहां पे ऐसे क्राइम ज़्यादा होते हैं उसको चिन्हित कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग की जो गश्ती की व्यवस्था है और हम लोग की जो CCTV के आधार पर आधारित जो निगरानी व्यवस्था है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उन सभी चीज़ों को या ERSS की जो गाड़ियों की पोजिशनिंग है इन सभी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे जिससे कि क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके और प्रिडिक्ट किया जा सके कि किस जगह क्राइम हो सकता है। उस दिशा में एक बड़ा प्रयास है जिसमें कि IIIT भागलपुर का हम लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिला है और हम लोग आज से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना प्रारंभ करेंगे और सभी थानाध्यक्षों के द्वारा इसमें एंट्री की जाएगी जिससे कि हम लोग भविष्य में इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेके क्राइम को मिनिमाइज कर सके। सर पहले कंट्रोल एंड कमांड सेंटर क्राइम में भी कमी आएगी? सर बिल्कुल आएगी, जैसा मैंने बताया कि लगभग 1750 कैमरे पूरे भागलपुर शहर में लगाए जा रहे हैं। जब हॉट स्पॉट चिन्हित हो जाएगा तो वहाँ पे जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं उस पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। जो भी हमारे पुलिसकर्मी उस पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कैमरे की निगरानी करेंगे उनकी विशेष नज़र वैसे स्थलों पर रहेगी जहाँ पे हॉट स्पॉट है और वहाँ पे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, मोटरसाइकिल दिखती है, तो उसकी सूचना तुरंत जो संबंधित पेट्रोलिंग व्हीकल है, संबंधित थाना है या जो नज़दीक का जो ERSS 112 का जो व्हीकल है उसको सूचित करेंगे जिससे कि हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। भागलपुर जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में आज चेहल्लुम का पर्व मनाया गया। इस दौरान कई आकर्षक झांकियां निकाली गई। चेहल्लुम के जुलूस के दौरान युवाओं ने परंपरागत खेल का प्रदर्शन किया। जुलूस के साथ लाठी आदि लेकर युवाओं की टोली ने अपने शौर्य का भी खूब प्रदर्शन किया। इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल में चेहल्लुम जुलूस शांतिपूर्ण व भाईचारे के साथ सुगमता से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ जगह जगह तैनात रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति के लोगों ने भी अपना काफी अहम सहयोग दिया। सभी जुलूस अपने अपने निर्धारित समय पर निश्चित रूप से निकल गए। इस दौरान ढोल बाजों से पूरा शहर गूंज उठा। सभी रूट से आए चेहल्लुम की झांकी एक जगह जमा होकर भागलपुर के शाहजंगी में इसका पहलाम किया जाएगा। ये इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई थी। आज 40वां दिन है, 40वां होता है हम लोग में। उन्हीं की याद में शहादत को हम लोग मना रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुहर्रम के वक्त जो इमाम हुसैन ने अपने 72 रिश्तेदारों के साथ करबला इराक में शहादत दी थी इस्लाम को बचाने के लिए, उन्हीं की याद में हम लोग मजलिस व मातम करते हैं और गम मनाते हैं। पूरे बिहार में जहां एक तरफ शराबबंदी है वहीं दूसरी ओर भागलपुर में कई शराब की बड़ी खेप पुलिस पकड़ रही है। आज फिर से एक बार पुलिस ने भारी मात्रा में 252 लीटर शराब एवं 3 युवक को गौराडी थाना क्षेत्र के मोहनिया बहियार के पास धर दबोचा है। वहीं युवक के साथ हथियार और कई मोबाइल भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों युवक झारखंड से शराब चारपहिया वाहन में लोड करके उसे सहरसा ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस को भनक मिली कि शराब की बड़ी खेप झारखंड से सहरसा की ओर जा रही है और टीम गठित कर उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार युवक में मुन्ना कुमार, मोहम्मद शाहरूप और पंकज कुमार शामिल हैं। गोराडी थाने के मोहनपुर जो बहियार है उसी के पास ही आज सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है और जो गोराडी SHO हैं और STPO लॉ एंड ऑर्डर हैं इन लोगों की टीम वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ पर चेकिंग लगाया। चेकिंग को देख के जो गाड़ी थी वो पहले ही रुक के उसमें से 4 आदमी निकल के भागने लगे और टीम के द्वारा उनको खदेड़ कर पकड़ा गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 252 लीटर विदेशी शराब मिली है और एक पिस्टल भी बरामद हुआ है, 4 मोबाइल बरामद हुआ है और 252 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इस प्रकार एक बड़ी खेप भागलपुर पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है जिसमें कि आर्म्स के साथ शराब की बरामदगी की गई है। ये झारखंड से लेके आ रहे थे और चारों लोग सहरसा के रहने वाले हैं और शराब को झारखंड से सहरसा ले जा रहा था। भागलपुर में साईनाथ सेवा भक्त समिति के द्वारा श्री संकट मोचन दरबार में भव्य पूजा पाल की यात्रा व भंडारा का आयोजन किया गया। वहीं साईनाथ सेवा भक्त समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि हम लोग पूरे विधि विधान से श्री साईनाथ बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद पाल की यात्रा निकाली जाती है और शहर में भव्य भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। वहीं साईनाथ सेवा भक्त समिति के सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि हम लोग लगातार 13 वर्षों से इस पूजा को भव्य रूप देते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आगे और भी भव्य कार्यक्रम करेंगे।
साथ ही लोगों को और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। 2023 जो ये 13वां साल है साईं बाबा का पालकी पूजा और पालकी यात्रा एवं भंडारा, ये 13वां साल है। वो कल सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हुआ, 1 बजे तक पूजा चला, 1:30 बजे पालकी यात्रा के पूरे शहर भ्रमण हुआ, फिर रात 10 बजे आरती हुआ। आज सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू है, रात्रि 7-8 बजे तक भंडारा मेरा चलेगा, एकदम कंटिन्यू। महिला का व्यवस्था अलग किया गया है, गेट का व्यवस्था अलग किया गया है, सारा वॉलंटियर टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई त्रुटि नहीं होगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, पसंद खा के यहाँ से परिचय। मेरा नाम प्रदीप यादव, स्वयं परिवार के अध्यक्ष हैं हम, अरुण गुप्ता जी सचिव हैं। ये हम लोग का 13वां साल है इस बार, और हम लोग का कोशिश है कि अधिक से अधिक सदस्य बने, जिससे कि और हम लोग इसका आगे बृहद पैमाने पे कर सकें, जो भी हम लोग कर रहे हैं इसको अधिक से अधिक कर सकें। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की तस्करी अभी भी लगातार जारी है, जिसको लेकर भागलपुर जिले की प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए शराब की कई खेप को कई जगह से पकड़कर थाने में एकत्रित करती है और उसे एक साथ विनष्ट करती है। इस बाबत आज भागलपुर के नवगछिया थाने में भी जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार 5076 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। यह नवगछिया अंतर्गत विभिन्न थानों से पकड़ा गया था और अवैध रूप से बरामद शराब को नवगछिया थाने में थाना अध्यक्ष एवं कई पदाधिकारियों के सामने विनष्ट किया गया। जिलाधिकारी महोदय और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष 5076 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर पकड़ा गया था और जांच के क्रम में पकड़ाए थे। सर, किस किस थाने से यहाँ पर शराब लाया गया था, कहाँ कहाँ का शराब था? भिन्न भिन्न जगहों पे रूटीन बद काम चलता है, जहाँ जहाँ पकड़े जाते हैं सभी को विनष्ट करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाता है और उस आदेश। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा दियारा में बुधवार की देर शाम अपराधियों ने किसान से रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर हथियार दिखाकर फायरिंग करते हुए लाठी डंडे रॉड से प्रहार करते हुए कोलगामा गांव के किसान मोहम्मद सोएब को जख्मी करते हुए उससे छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। किसान मोहम्मद सोएब को जख्मी हालत में ग्रामीणों के द्वारा इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार कर उसे भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया है। जख्मी किसान मोहम्मद सोएब एवं इनके पुत्र मोहम्मद जिसान ने बताया कि सदानंद शाहबाद, नीतीश चौधरी, राहुल कुमार सुल्तानगंज गंगा घाट के रहने वालों ने अपने 5 अन्य सहयोगियों के साथ हथियार दिखाते हुए 500 रुपये प्रति भैंस की रंगदारी मांगी। नहीं देने पर गोली फायरिंग करते हुए लोहे के रॉड लाठी डंडे से प्रहार करते हुए मोहम्मद सोहेब को गंभीर रूप से जख्मी कर उसकी सोने की अंगूठी व सोने की चैन को छीनते हुए वहां से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस पूरे घटना को देखते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। वहीं पंचायत के सरपंच विमल किशोर यादव ने बताया कि 10 वर्षों से ये सभी लोग कई किसानों के लगभग 500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर फसल लूट ले जाते हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर युवा कांग्रेस भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच आज मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर हम लोग आज जातिवाद को छोड़कर प्यार बांटने निकले हैं, नफरत भूलने निकले हैं। राहुल गांधी के नक्श कदम पर चलकर ही भारतवर्ष एक मुकाम पाएगा। आज 1 वर्ष पूरा होने पर हम लोग काफी खुश हैं, इसलिए जनता के बीच मिठाई बांट रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कांग्रेस युवा नेताओं ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का बैनर भी लगा रखा था। सभी कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले मिलकर और जनता को भी मिठाई खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया। यह कार्यक्रम भागलपुर के स्टेशन चौक पर आयोजित की गई थी। आज ही के दिन पिछले साल हमारे नेता राहुल गांधी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चालू किए थे, आज उसका 1 वर्ष पूरा हुआ। इस खुशी में हम लोग यहाँ पे मिठाई बांटे और अपने राहुल गांधी, अपने नेता राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया। वो 12 राज्य से होते हुए 4081 किलोमीटर पद यात्रा कर ऐतिहासिक